तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले किस तरह से आप अपने YouTube वीडियो के लिए Google Ads लगा सकते हो 2021 में। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो भी स्टेप बताई है, अगर आप उन स्टेप को फॉलो करते हो तो आपको बहुत कम पैसों में बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर से देखते रहना। और गूगल एड्स के ऊपर मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, आप लोग उस प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेक करना, जहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है कैसे आप लोग गूगल एड्स अकाउंट मोबाइल से क्रिएट कर सकते हो, गूगल एड्स की इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में, और गूगल एड्स में आपको पेमेंट कैसे ऐड करना है इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को उस प्लेलिस्ट में बताया है। उस प्लेलिस्ट की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट चेक ज़रूर करना। तो अभी मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरा ये वाला वीडियो देख लिया है और आपने गूगल एड्स अकाउंट भी क्रिएट कर लिया है, गूगल एड्स में पेमेंट भी ऐड कर दिए, तो आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आप ये मेरा न्यू वीडियो देख रहे हो तो आप लोग उन दोनों वीडियो को ज़रूर वॉच करना, तभी आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। अब यहाँ पर आप लोगों को नीचे ऑप्शन मिलता है न्यू कैंपेन का। जैसे आप लोग अपना गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट कर लोगे, उसे ओपन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको क्रिएट एंड न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है। अब गूगल एड्स का यूज़ हम लोग बहुत सारे तरीके के लिए करते हैं, जैसे कि वेबसाइट ट्रैफिक के लिए, ऐप प्रमोशन के लिए, पर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गूगल एड्स का यूज़ करके यूट्यूब वीडियो पर एड्स कैसे लगाएं। तो उसके लिए आप लोगों को जो है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी कैंपेन मिल जाएंगी, जैसे कि सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग। तो हम लोग जो वीडियो कैंपेन को सिलेक्ट करेंगे, आपको वीडियो कैंपेन पे सिलेक्ट करना है। जैसे आप लोग वीडियो कैंपेन को सिलेक्ट कर लोगे, उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट अ कैंपेन सब टाइप। तो यहाँ पर आपको जो कस्टम वीडियो कैंपेन को ही सिलेक्ट रखना है, यहाँ पर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो गूगल एड्स का पेज है वो थोड़ा सा बफरिंग होगा, आपका नेट स्पीड कितना भी फास्ट क्यों ना हो यहाँ पर ये बफरिंग होता ही है, तो बफरिंग होने तक आपको वेट करना है। उसके बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा आप लोगों के सामने। सबसे पहले यहाँ पर आपको चेक करना है जो टाइप आ रहा है वो वीडियो कैंपेन ही आना चाहिए। अगर आप YouTube वीडियोस के लिए ऐड लगा रहे हो तो आपको ये चेक कर लेना है कि टाइप में वीडियो कैंपेन आ रहा है या नहीं। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है कैंपेन नेम का। अब आप कैंपेन नेम में कुछ भी ऐड कर सकते हो, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में पता चले कि आप लोगों ने कौन से वीडियो के लिए ऐड लगाई थी। तो नॉर्मली यहाँ पर मैं जो अपने वीडियो के टाइटल से कैंपेन नेम को रीनेम कर लेता हूँ, ताकि फ्यूचर में मुझे पता चले कि ये कैंपेन मैंने या ये ऐड मैंने किस वीडियो के लिए लगाई थी। तो आप लोग जो कैंपेन नेम में कुछ भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर आप लोग अपने YouTube वीडियो के टाइटल को कैंपेन नेम में ऐड कर दोगे, या जो भी आप लोगों को ठीक लगता है आप लोग कैंपेन नेम में ऐड कर दोगे, उसके बाद Google Ads को हमें बताना होता है कि हम लोग एक व्यू के हिसाब से पैसा देना चाहते हैं या 1000 इंप्रेशन के हिसाब से पैसा देना चाहते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं बिड स्ट्रैटेजी। अब बिड स्ट्रैटेजी में आप लोगों को दो ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है मैक्सिमम CPV। अब CPV का फुल फॉर्म है कॉस्ट पर व्यू, यानी कि गूगल एड्स को हम लोग एक व्यू के हिसाब से पैसा देना चाहते हैं। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है मैक्सिमम CPM। अब CPM का मतलब है कॉस्ट पर इम्प्रेशन, यानी कि 1000 इम्प्रेशन होते ही हम लोग गूगल एड्स को 1 रुपया या जो भी हमारा पैसा लग रहा है उतना पैसा पे कर देंगे। तो मेरे हिसाब से सबसे बेहतर है कि जब हमें व्यूज़ आए तभी हम लोग गूगल एड्स को पैसा दे। तो उसके लिए आप लोगों को जो है मैक्सिमम CPV यानी कि कॉस्ट पर व्यू ही सिलेक्ट कर रखना है। जब हमारे वीडियो पे व्यू आएगा तभी हम लोग गूगल को पैसा देंगे। तो यहाँ पर मैंने जो मैक्सिमम CPV सिलेक्ट कर लिया है। अभी हमारी बिड स्ट्रैटेजी का काम खत्म हो चुका है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है बजट्स एंड डेट का। तो अभी यहाँ पर हमें गूगल एड्स को अपना बजट बताना है कि हम लोग कितना बजट लगा सकते हैं एक वीडियो पे, या हमारा बजट कितना है एक वीडियो के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। आप लोगों को मिनिमम 500 रुपये ऐड करना पड़ता है गूगल एड्स अकाउंट में, उससे कम आप लोग ऐड नहीं कर सकते। पर आप लोग 500 रुपये ऐड करने के बाद 100 रुपये की भी एक वीडियो के लिए ऐड लगा सकते हो, या 50 रुपये की भी एक वीडियो के लिए ऐड लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल 500 रुपये मैंने ऐड किए और मैं चाहता हूँ 100 रुपये की 5 वीडियो पर ऐड लगाना, तो मैं ऐसी ऐड्स लगा सकता हूँ, पर इससे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं जो कैंपेन टोटल में 500 रुपये ऐड कर देता हूँ, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को ऐड करके बताए थे। तो मैं जो है कैंपेन टोटली सिलेक्ट रखता हूँ। अगर आप डेली सिलेक्ट रखना चाहते हो कि 100 रुपये आपका डेली कट हो, तो आप लोग डेली सिलेक्ट कर सकते हो, वरना आप अगर चाहते हो कि 500 रुपये का टोटल बजट ऐड करना, तो यहाँ पर आप लोग 500 रुपये भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने कैंपेन टोटल रखा है और 500 रुपये ऐड कर दिए। अब जिस दिन आप लोग ऐड लगा रहे हो वो जो है आपकी स्टार्ट डेट होगी, या आप इसे चेंज भी कर सकते हो, और आपकी जो एंड डेट होगी वो आप लोग कभी भी रख सकते हो, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, आप लोगों के हिसाब से यहाँ पर आप लोग जो है एंड डेट ऐड कर सकते हो। मैं 5 दिन की लगाना चाहता हूँ, मैंने एंड डेट जो है 7 मई को कर दी है। तो नीचे एक नोटिफिकेशन आ रही है 500 कैंपेन टोटल
अमाउंट इज सिमिलर टू 100 डेली बजट अमाउंट टोटल फॉर 5 डेज, यानी कि 500 रुपये की एड 5 दिन के लिए 100 रुपये पर डे के हिसाब से चलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप लोग भी 5 दिन के लिए लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमारा जो है बजट का भी काम हो चुका है। अब हम लोग बढ़ेंगे नेटवर्क की तरफ। तो नेटवर्क में आप लोगों को 3 नेटवर्क मिल जाते हैं, यूट्यूब सर्च, यूट्यूब वीडियो और वीडियो पार्टनर ऑन द डिस्प्ले नेटवर्क। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसे आपको अनटिक कर देना है। इससे आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। आप लोगों को अपनी वीडियो जो है यूट्यूब के सर्च लिस्ट में और यूट्यूब वीडियोज़ पर ही टारगेट करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है लोकेशन का। अब लोकेशन में यहाँ पर जो है बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया सिलेक्ट होगा, पर अगर आप लोग चाहते हो कि कोई और कंट्री में भी आप लोगों की ऐड दिखाई दे तो नीचे आपको ऑप्शन मिलता है एंटर अनदर लोकेशन, आपको इस पर क्लिक करना है और जो भी कंट्री को आप लोग टारगेट करना चाहते हो। नॉर्मली मैं अपने वीडियोज में जो है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान इन 5 कंट्री को टारगेट करता हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो हिंदी में होती है और इन 5 कंट्री में हिंदी बोली जाती है। प्लस इन 5 कंट्री को टारगेट करने का बेनिफिट ये है कि यहाँ पे हमें जो है ऐड कॉस्ट कम मिलता है, यानी कि हमें जो कम पैसों में ज़्यादा व्यूज़ मिल सकते हैं। तो ये 5 कंट्री यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है। आप लोग अपने लैंग्वेज के हिसाब से कंट्री को टारगेट कर सकते हो। तो अभी हमने जो अपनी कंट्री को भी टारगेट कर लिया है, कंट्री को हम लोग क्लोज कर देते हैं, यानी लोकेशन को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है लैंग्वेज का। तो जैसे मैं अपनी वीडियो हिंदी में बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो हिंदी यूज़र तक ही जाए ताकि जो मेरे व्यूअर है वो सब्सक्राइबर में कन्वर्ट हो सके। अब मैं वीडियो हिंदी में बनाता हूँ, कोई इंग्लिश यूज़र के सामने मेरी वीडियो जाए तो मेरी वीडियो को गलती से अगर प्ले भी कर देता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे हिंदी लैंग्वेज समझ ही नहीं आएगी। तो मैं अपनी वीडियो हिंदी में बनाता हूँ, हिंदी लैंग्वेज मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद नीचे आपको क्वेश्चन मिलता है इन्वेंट्री टाइप। इन्वेंट्री टाइप में आप लोगों को जो एक्सपांडेड इन्वेंट्री को ही सिलेक्ट रखना है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ ब्रांड जो है इसी को चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को जो एक्सपांडेड इन्वेंट्री पे ही सिलेक्ट रखना है। उसके बाद नीचे आपको भी मिलता है एक्सक्लूड टाइप एंड लेबल्स। तो यहाँ पर आप लोगों को जो एम्बेडेड यूट्यूब वीडियोज़ और लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोज़ को इनेबल कर लेना है, और जो नीचे आपको ऑप्शन मिलता है कंटेंट नॉट येट लेबल, इसे अनटिक कर देना है। अब ये जो सारे सेक्शन होते हैं, यानी कि एम्बेडेड वीडियो जो होते हैं जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग वो वीडियो को देख लोगे तो आप लोगों को एम्बेडेड वीडियो के बारे में पता चल जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि लाइव स्ट्रीमिंग में भी आपकी एड्स दिखाई दे तो आपको लाइव स्ट्रीमिंग को भी सिलेक्ट कर लेना है। और जो कंटेंट नॉट एट लेबल है, ये ऐसे वीडियो होते हैं जो कि अभी लेबल नहीं हुए, तो आप लोगों को इसे जो है अनटिक कर देना है। उसके बाद इसका भी हमारा काम खत्म हो चुका है, मैं इसे भी कर देता हूँ क्लोज। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है एडिशनल सेटिंग का, आपको एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो कन्वर्जेशन का ऑप्शन है आपको इसे इग्नोर करना है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है डिवाइस का, आपको डिवाइस पे क्लिक करना है। डिवाइस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है सेट स्पेसिफिक टारगेटिंग फॉर डिवाइस, आपको इसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप देखोगे मेरी वीडियो जो है नॉर्मल यूट्यूब टिप्स के ऊपर होती है, जो कि जो है कंप्यूटर, टीवी स्क्रीन ये सब जगहों पे नहीं देखी जा सकती। ज़्यादातर ऐसी वीडियो जो है मोबाइल फ़ोन पे ही देखी जाती है, तो मैं सिर्फ मोबाइल फ़ोन में ही अपनी ऐड को दिखाऊंगा। वही अगर आपकी कॉमेडी वीडियो है, म्यूज़िक वीडियो है, तो ऐसी वीडियो जो है टीवी स्क्रीन पे भी देखी जाती है, कंप्यूटर पे भी देखी जाती है और मोबाइल फ़ोन में भी देखी जाती है। तो आप लोग अपने वीडियो के हिसाब से यहाँ पर टारगेट करना कि आपको कौन से डिवाइस पर ऐड दिखानी है। तो मैंने मोबाइल डिवाइस को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। नीचे आपको ऑप्शन मिलता है फ्रिक्वेंसिंग कैंपिंग का। अब इसका मतलब ये है कि हम लोग गूगल एड्स को बताते हैं कि हमें जो है हमारी वीडियो को एक यूज़र को कितनी बार दिखाना है। तो यहाँ पर आपको कैप इंप्रेशन का ऑप्शन मिलता है, इसे टिक करना है। यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिलता है इंप्रेशन कैप। तो यहाँ पर जैसे मैं 3 बार दिखाना चाहता हूँ मेरी वीडियो की एड्स जो है, एक बंदे को 3 बार दिखाना चाहता हूँ पर डे, तो यहाँ पर मैंने 3 ऐड कर दिया और जो फ्रिक्वेंसी है उसे पर डे कर दिया। अब गूगल एड्स जो है मेरी वीडियो की जो एड्स होगी वो 3 बार दिखाएगी एक बंदे को पर डे। तो यहाँ पर आप लोग जो नंबर ऐड करना चाहते हो वो नंबर ऐड कर सकते हो। ज़्यादातर मैं जो इस फीचर को यूज़ नहीं करता, तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। आप लोग करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो, तो इसे मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद ऐड शेड्यूल को भी आपको इग्नोर कर देना है। नीचे आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा ऐड ग्रुप नेम का। अब सेम जैसे हम लोग ने कैंपेन नेम ऐड किया था, वैसे ही हम लोग यहाँ पर ऐड ग्रुप नेम में भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं अपने वीडियो के टाइटल को ही ऐड करता हूँ, आप लोग यहाँ पर कुछ और भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद नीचे आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा डेमोग्राफी का, जहाँ पर हम लोगों को गूगल एड्स को बताना है कि हमें हमारी वीडियो की एड्स मेल को दिखानी है, फीमेल को दिखानी है या कौन से एज ग्रुप को दिखानी है। तो इसके लिए आप लोग अपने YouTube स्टूडियो में जाकर अपना वीडियोस का एनालिटिक्स चेक कर लो कि आपके वीडियोस ज़्यादातर कौन सी एज के लोग देखते हैं। तो मैं फ़ीमेल को रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरा जो वीडियो है ये गेम प्ले वीडियो है, तो मैं फ़ीमेल को रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि फ़ीमेल जो है ज़्यादा गेम प्ले वीडियो नहीं देखती होंगी। और उसके बाद जो एज ग्रुप है उसे जो है 18 से लेके 44 तक रखता हूँ,
कि 18 ईयर से लेके 44 ईयर तक के लोग ही मेरे वीडियो की एड्स को देख पाए, बाकी के लोग ना देखें। तो आप लोग अपने वीडियो के हिसाब से इसे टारगेट कर सकते हो। तो डेमोग्राफी का भी काम अब ख़त्म हो चुका है, मैं इसे भी क्लोज कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है ऑडियंस का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ऑडियंस पे क्लिक करना है। अब जैसे मेरी वीडियो एक गेम प्ले वीडियो है, तो यहाँ पर मैं जस्ट सर्च करूँगा गेम। अब अगर मेरी वीडियो कॉमेडी वीडियो होती तो यहाँ पर मैं सर्च करूँगा कॉमेडी, तो गूगल मुझे खुद सजेस्ट करेगा उन सारी ऑडियंस को जिसे हमें एड्स दिखानी चाहिए। यहाँ पर मैंने गेम सर्च किया तो यहाँ पर एक्शन गेम फैंस, शूटर गेम फैंस और गेमर्स, ये तीन कैटेगरी आ रही है जो कि गेमिंग वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। अगर आप भी गूगल एड्स पर गेमिंग वीडियो प्रमोट करना चाहते हो तो आप लोग इन तीनों ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऑडियंस का भी काम ख़त्म हो चुका है। आप लोग अपने वीडियो के अकॉर्डिंग ऑडियंस यहाँ पर ऐड कर देना, जो भी आप लोग वीडियो प्रमोट करें उसको। उसके बाद नीचे आप लोगों को जो तीन ऑप्शन आ रहे हैं, कीवर्ड, टॉपिक और प्लेसमेंट, इसे आप लोगों को इग्नोर कर देना है। अगर हो सके तो मैं फ्यूचर में इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि तीनों ऑप्शन को आप लोगों को कब यूज़ करना चाहिए। पर अगर आपकी कोई नॉर्मल वीडियो है, जैसे गेमिंग वीडियो, यूट्यूब टिप्स के ऊपर वाली वीडियो, तो इन तीनों स्टेप को आपको इग्नोर करना है। आपको डायरेक्टली नीचे आ जाना है बिडिंग पे। अब बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना रखी है यूट्यूब पर कि आप लोगों को 0.10 पैसे यहाँ पर ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर आपको क्लियरली बता दूँ कि जो बिड है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। एक टाइम था जब आप लोग यहाँ पर 0.10 पैसे ऐड करते थे तो आपकी ऐड अप्रूव भी हो जाती थी और उस पर एड्स आना, यानी कि उस पर इंप्रेशन और व्यूज़ आना स्टार्ट भी हो जाते थे। पर 2021 में मिनिमम आप लोगों को 0.60 पैसे ऐड करने ही होंगे, तभी आप लोगों के वीडियो पर इंप्रेशन आएंगे और आप लोगों को व्यूज़ मिलेंगे। वो जो वीडियोस होती थी 0.10 पैसे वाली, वो बहुत ज़्यादा पुरानी वीडियो थी। आप लोग अगर ट्राई करना है तो 0.10 पैसे ऐड करके ट्राई कर सकते हो। आप लोगों की ऐड अप्रूव ही नहीं होगी, अप्रूव हो भी जाए तो आप लोगों को व्यूज़ और इंप्रेशन नहीं आएंगे। अब उसके नीचे यहाँ पर आप लोगों को अपनी वीडियो का लिंक पेस्ट करनी होती है, जो भी वीडियो आप गूगल एड्स पे प्रमोट करना चाहते हो। तो ये मेरे एक सब्सक्राइबर का वीडियो है, मैं उनके लिंक को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आप लोगों को चेक कर लेना है आपके वीडियो के टाइटल और थंबनेल को कि यही वीडियो है जिसे आप प्रमोट करना चाहते हो। उसके नीचे आप लोगों को ऑप्शन मिलता है वीडियो ऐड फॉर्मेट का, तो यहाँ पर आप लोग जो स्किपेबल ऐड भी लगा सकते हो और वीडियो डिस्कवरी ऐड भी लगा सकते हो। स्किपेबल ऐड वो होती है जिसे हम लोग वीडियो में इन स्ट्रीम में देखते हैं और इसे हम स्किप कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी ऐड देखी होगी। और वीडियो डिस्कवरी वो होती है जो कि सर्च लिस्ट में आती है, सिर्फ हमारा थंबनेल दिखाया जाता है और हमारी वीडियो के नीचे भी हमारी वीडियो का थंबनेल दिखाया जाता है। जैसे आप लोग वीडियो डिस्कवरी ऐड को सिलेक्ट करोगे, राइट हैंड साइड में आप लोगों को प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कस्टम थंबनेल सिलेक्ट करना है अपनी ऐड के लिए, और नीचे यहाँ पर आपको हेडलाइन में, डिस्क्रिप्शन 1 और डिस्क्रिप्शन 2 में आप लोगों के वीडियो की थोड़ी बहुत डिटेल्स ऐड करनी है। अब जब भी आप यहाँ पर हेडलाइन ऐड करने जाओ, इस चीज़ का ध्यान रखना है किसी भी ब्रांड, किसी भी कंपनी का नाम आपके हेडलाइन में नहीं आना चाहिए, वरना आपका जो वीडियो है वो डिसअप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो वीडियो के टाइटल को कॉपी करके पेस्ट किया। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो Redmi जो कि एक ब्रांड का नाम है वो यहाँ पर आ रहा है, तो मैं MI जो है आई को हटा के ई लगा देता हूँ। स्पेलिंग में आपको थोड़ी बहुत मिस्टेक करनी है, इधर उधर करना है, उससे आपकी ऐड जो है अप्रूव हो जाएगी। अब डिस्क्रिप्शन 1 और डिस्क्रिप्शन 2 में आप लोग अपने वीडियो के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। जैसे ये गेमिंग वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन 1 में लिख देता हूँ गेमिंग, और उसके नीचे आप लोग जो भी ऐड करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन 2 में उसे ऐड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन 1, डिस्क्रिप्शन 2 ऐड करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है ऐड नेम का, तो ऐड नेम में भी आप लोग अपने वीडियो के टाइटल को ऐड कर सकते हो। उसके बाद राइट हैंड साइड में आप लोगों को प्रीव्यू देख लेना है कि आपकी वीडियो ऐड किस तरह से दिखाई दे रही है। ये सब हो जाने के बाद राइट हैंड साइड में आप लोगों को ऑप्शन मिलता है योर एस्टीमेट परफॉर्मेंस, जहाँ पर आप लोगों को गूगल एक अंदाज़ा बताता है कि आप लोगों को कितना व्यूज़ मिलेगा, कितना इंप्रेशन जाएगा, बिड कितना लगेगा। ये सब कुछ अंदाज़ा होता है, ये टोटली डिपेंड करता है बिड पे, और बिड हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है। तो यहाँ पर जैसे आप लोग बिड अपना परफॉर्मेंस देख लोगे, अपना प्रीव्यू चेक कर लोगे, आपको नीचे ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू का, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मांगेगा, तो कंफर्मेशन में आप लोग क्रॉस चेक कर लेना जो भी डिटेल्स आप लोगों ने डाली है वो सही से ऐड की है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने अपनी डिटेल सब कुछ ऐड कर दिए, नीचे आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा कंटिन्यू टू कैंपेन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा जो कैंपेन है वो क्रिएट हो चुका है। अब कैंपेन क्रिएट होने के बाद इसको रिव्यू में कम से कम 3 से 4 घंटा लगता है। अगर आप लोगों ने बिड सही से ऐड की है तो ये जो है बहुत जल्द अप्रूव हो जाता है, पर अगर आपने बिड बहुत कम ऐड किए तो इसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है।
तो नॉर्मली 3 से 4 घंटा तो लगता ही है। अगर उससे ज़्यादा आप लोगों का टाइम लग रहा है तो आप लोग गूगल ऐड से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या तो आप लोग जो अपनी बिड को बढ़ा सकते हो। तो डिटेल में मैंने आप लोगों को सब कुछ शेयर कर दिया है कि कैसे आप लोगों को एड्स लगानी है, कौन कौन सी सेटिंग करनी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।